بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th, यूनिट नंबर 2 चल रहा है इसका। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से पहले हमने दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी को इस्तेमाल करते हुए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी फार्मूला हमने ड्राइव किया, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए, उसको इस्तेमाल करते हुए उसके दो रूट्स लेते हुए पहले रूट को जो जमा वाला है यानी माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए को अल्फा के बराबर लिखा, दूसरा रूट माइनस बी माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए इसको बीटा के बराबर लिखा, फिर इनका हमने सम मालूम किया यानी अल्फा प्लस बीटा और ये आया माइनस बी बटे ए बी ओवर ए, और फिर हमने अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट मालूम की यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल हुआ था सी ओवर ए के। तो अब हम इन सम और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 2.3 को हल करने जा रहे हैं। सामने आपको बुक पर एक्सरसाइज 2.3 नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिंदरजा जैल दो दर्जी मसावातों को हल किए बगैर मजमू और हासिल ज़रब मालूम करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, 6 जूज हैं, हम कोई से 3 अज्जा करेंगे। तो हमने जो जूज सेलेक्ट किया है वो है पार्ट नंबर 2, जिसकी इक्वेशन कुछ यूँ लिखी हुई है 3x² जमा 7x माइनस 11 बराबर 0 के, यानी 3x का स्केयर जमा 7x माइनस 11 बराबर है 0 के। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो है ए एक्स स्केयर जमा बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास आ गया 3 यानी 3, बी हमारे पास आ गया 7 और सी हमारे पास आ गया है माइनस 11। तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हम सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा जमा बीटा ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस उसी तरह आएगा, बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू है 3। इस तरह हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया है, माइनस 7 ओवर 3। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड करते हैं यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ये होता है सी ओवर ए यानी सी बटे ए, सी हमारे पास है माइनस 11 और ए हमारे पास है 3। तो इस तरह दी गई इक्वेशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 3x² जमा 7x माइनस 11 3x² जमा 7x माइनस 11 बराबर 0 के, उससे ए बी सी की वैल्यूज़ लिखी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया ए x² जमा बी एक्स जमा सी ए बराबर 3 के बी बराबर 7 के और सी इज़ इक्वल टू माइनस 11।
अब सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, ये हमने लिखा माइनस, उसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास 7 है वो लिख दी, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है वो लिख दी, तो इस तरह सम ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस 7/3 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के, तो इक्वल टू सी की जगह हमने माइनस 11 लिख दिया और ए की जगह 3 लिख दिया, तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। ये एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, इसका पार्ट नंबर 4 है। ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन दे दी गई है, क्वाड्रेटिक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ए किसके इक्वल है, ए हमारा इक्वल हो गया जी, कंपेयर करें ए प्लस बी के, ए किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के आ गया, ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दी, और आगे बी जो है हमारा इक्वल हो गया जी, कंपेयर करने से बी इज इक्वल टू माइनस ए के, ये हमने लिख दिया, और उसके बाद सी इज इक्वल टू बी है, ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ द रूट्स हमारा है अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर रखा है पीछे इस एक्सरसाइज से पहले, तो माइनस उसी तरह बी की जगह लिखेंगे हम माइनस ए लिख दिया, और ए की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये भी हमने लिख दिया, ऊपर माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ए ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास आ गया ए प्लस बी, तो इस तरह हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है हमारे पास अल्फा बीटा, और ये होता है सी ओवर ए, तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है बी, ये लिख दिया नीचे ओवर में, और ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है ए प्लस बी के, तो इस तरह हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया जी ए ओवर ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा आ गया है बी ओवर ए प्लस बी जी। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक और पार्ट करने जा रहे हैं। इन पार्ट्स के अंदर हम मालूम कर रहे हैं रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पार्ट नंबर 5 है, उसकी इक्वेशन कुछ यूँ दे दी गई है, आपको बुक पर भी नज़र आ रहा होगा पार्ट नंबर 5, एल प्लस एम इंटू एक्स का स्केयर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल टू 0। तो हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किसके है, 0 के है। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारा ए इज इक्वल टू एल प्लस एम है और बी इज इक्वल टू एम प्लस एन है, ये लिख दिया, और सी इज इक्वल टू एन माइनस एल, इसके गिर्द भी ब्रैकेट डाल देते हैं। अब हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है यानी अल्फा जमा
बीटा। अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फाबेट्स हैं, हरूफे तहज्जी हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ये होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू हमारे माइनस उसी तरह आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है एम प्लस एन, और ए हमारे पास है जी एल प्लस एम। एल प्लस एम लिख दिया और इसके गिर्द भी ब्रैकेट डाल दी। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं, यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये हमारे पास हुआ करता है सी ओवर ए, यानी सी बटे ए। इन सी की कीमत पुट करते हैं, सी हमारे पास है एन माइनस एल, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी, फिर ओवर का साइन बटे का साइन डाला, और ए हमारे पास क्या है? वो है एल प्लस एम, इसके गिर्द भी हमने ब्रैकेट लगा दी है। तो इस तरह पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 उसका हमने सम ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का मजमूआ भी मालूम कर लिया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम कर लिया। अब आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया जाएगा। लो जनाब, पाकिस्तानी प्लेयरां दियां खड़मस्तियां ते साउथ अफ्रीका दी मेहनत मैच नू आखिरी बाल ते लै आई, ते बॉलर हुण सोचदा ही पिया, विकट कीपर कोलों पुछदा ही पिया कि हुण मैं की करां, ये आखिरी बार है कि लो जी। आ भी बंदा बड़ा परेशान जे च कि पाकिस्तान ने मैच जित जाना है, ते बाल कित्थे सुटनी चाहीदी है, मूँह तो उत्तों मुड़का लांदा पिया। लो जी बॉलर तैयार हो गया जी, हुण मैं गेंद सुटन वास्ते आखिरी गेंद जे, ते एक रन चाहीदी है, ते अगे सामने फहीम अशरफ जेड़ा जे ओ थापा फड़ के आकड़ के खला होया भी मैं ये रन बना के मैं जित लैना। लै बाहर खड़े होए बंदे एवें ताड़ियां मारी जांदे भी साउथ अफ्रीका समझो मैच जित गया जे। लो जी बॉलर तैयार होया जे, गेंद सुटन वास्ते भजया जांदा जे, भजया जांदा जे, लो जी ते फहीम अशरफ नू गेंद सुटी, ओ थापा खड़का के मारिया ते चौका ला दिता, वो जांदी पई गेंद बाहर, ते लै भई पाकिस्तान ने मैच जित लिया। जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट सुन लें, उर्दू भी सुन लें और इंग्लिश भी। के की कीमत मालूम कीजिए। अगर पार्ट नंबर 1 है मसावात 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल है 0 के रूट्स का मजमूआ, इसके रूट्स के हासिल ज़र्ब का 2 गुना है। फिर सुन ले, आपको सामने स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है, मसावात 2kx² माइनस 3x जमा 4 के बराबर 0 के रूट्स का मजमूआ, इसके रूट्स के हासिल ज़र्ब का 2 गुना है। इंग्लिश में भी सुन ले, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लिखते हैं इक्वेशन क्या है, पहले वो लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2kx² इक्वेशन क्या है 2kx² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 4k प्लस 4k इज इक्वल टू 0 है। और कंडीशन क्या लगाई है उसने कि जो रूट्स का मजमूआ है यानी अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस यानी 2 गुना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स यानी अल्फा और बीटा के हासिल ज़र्ब के। तो अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम
कंडीशन लगाते हुए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, ए हमारे पास आ गया दो के, कितना है दो के है। बी हमारे पास आ गया माइनस तीन और सी हमारे पास आ गया है फोर के यानी चार के। इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है वो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी ओवर ए और ये इक्वल होगा माइनस इनटू माइनस थ्री ओवर टू के, ये लिख दिया। अब ये हमारे पास आ जाता है थ्री ओवर टू के, सम ऑफ द रूट्स आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा ये होता है सी ओवर ए। तो सी क्या है, चार के है और ए क्या है, दो के है। तो अब हम दी गई कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन लिखते हैं, यानी रूट्स का मजमुआ सम ऑफ द रूट्स बराबर है प्रोडक्ट टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं जी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है तीन बटे दो के, तीन बटे दो के, तो लिखेंगे तीन नीचे दो के लिख दिया हमने, दूसरी तरफ ये दो उसी तरह आ गया। अल्फा बीटा कितना है, वो है हमारे पास चार के और नीचे आ गया दो के। यहां एक बात गौर से देखिएगा, ये दो के इधर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह गया थ्री, दूसरी तरफ दो को चार से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है आठ और सात के उसी तरह। अब हम इसको स्टैंडर्ड करते हैं, यानी आठ के बराबर है तीन के और यहां से के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तीन अपनी जगह पे रहेगा और ये जो एट है आठ है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये थ्री को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास के की वैल्यू यहां पार्ट नंबर वन के लिए आ गई है तीन बटे आठ, यानी थ्री ओवर एट। ये उस वक्त है जब सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है टू टाइम्स यानी ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्वेश्चन नंबर टू के दूसरे पार्ट की स्टेटमेंट सुन ले, मसावात एक्स स्क्वायर
प्लस इंटू 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़र्ब का 3/2 गुना हो, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। इंग्लिश में भी सुन लें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस इंटू 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी तो स्टेटमेंट के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 अल्फा बीटा, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज ए बराबर 1 के आ गया, बी बराबर 3 के माइनस 7 और सी बराबर है 5 के। अभी सवाल को आसान करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स ये होता है माइनस बी बटे ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो अब हम ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं जो कीमतें हैं रिलेशन में पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 अल्फा बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी ओवर ए, लिख दिया माइनस बी नीचे ए इक्वल है 3 उसी तरह 2 भी उसी तरह, अल्फा बीटा है सी बटे ए। तो यहाँ गौर से देखें तो ये जो दोनों तरफ ए है कैंसल हो गया, अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा माइनस 2 बी बराबर है 3 सी के। तो अब बी और सी की वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो पुट कर देते हैं, माइनस 2 उसी तरह आएगा, बी बराबर है 3k माइनस 7, बी बराबर है 3k माइनस 7 और भी इजी हो गया सवाल, बराबर इधर 3 उसी तरह सी बराबर है 5k। तो क्या लिख दिया 5k। अब मैथमेटिकल प्रोसेस होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6k हो गया, माइनस और माइनस प्लस कितना आ गया 14 हो गया, जमा का 14 हो गया, बराबर 3/5 15k हो गया। अब k को लेफ्ट साइड पे करते हैं, माइनस 6k और माइनस 15k ये लिख दिया, 14 दूसरी साइड पे चला जाएगा हो गया माइनस 14, आगे माइनस के 6 और माइनस के 15 माइनस के 21k इक्वल है माइनस 14 के। दोनों तरफ जो माइनस है कैंसल हुआ, यहां से k अपनी जगह पे रहेगा और
21 उधर जाके 14 को डिवाइड करेगा, 14 को डिवाइड करना है 21 ने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 7 पर, जब दोनों को 7 पे कैंसिल किया तो हमारे पास 7 2 14, 7 2 14 और नीचे 7 3 21 आ गया। इस तरह के की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है 2/3 यानी 2/3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। एक्सरसाइज 2.3 चल रही है, अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 3, के की कीमत मालूम कीजिए। अगर इसके दो पार्ट्स हैं तो पहला पार्ट कुछ यूं है, मसावात 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के रूट्स के मरबों का मजमुआ 2 हो। इंग्लिश में भी सुन ले, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो अब हम इक्वेशन लिख के इसके रूट्स लेंगे अल्फा और बीटा, फिर उनके स्केयर्स लेंगे और उनके स्केयर्स का सम किसके इक्वल है, 2 के इक्वल करते हुए हम इसको हल करते हैं जी। तो इक्वेशन क्या है, 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 बराबर 0 के, और साथ शर्त ये लगाई है कि जो इसके रूट्स हैं ना अल्फा उसका स्केयर और फिर बीटा उसका स्केयर, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। हमारी इक्वेशन है 4kx² जमा 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के इसको कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं, और उसके बाद अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो कि कंडीशन दे दी गई है वो लगाकर के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं, तो ए बराबर हो गया 4k के, बी इज इक्वल टू 3k और सी बराबर है हमारा माइनस 8k। तो अब जो कंडीशन दे दी गई है उसको इस्तेमाल करते हैं, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2। अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं अल्फा और बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी और नीचे ए। बी क्या है हमारे पास, 3k है, तो माइनस 3k लिख दिया, और ए क्या है, 4k है। तो इस तरह k के साथ k कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस
तीन बटे चार। अब अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के, तो सी बराबर किसके है, माइनस आठ लिख दिया, और ए क्या है, वो है जी चार के यानी फोर के। अब इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में लेके आए तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू टू। बच्चे यहां से डिस्टर्ब होते हैं, हमने दरअसल किया क्या, ऊपर देख ले, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर उसी तरह लिखा, जमा टू अल्फा बीटा कर दिया, जमा किया तो माइनस भी कर दिया, टू अल्फा बीटा बराबर किसके लिखा, दो के लिखा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जमा टू अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले फार्मूले से, और माइनस टू अल्फा बीटा उसी तरह इज इक्वल टू टू। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है माइनस थ्री ओवर फोर, तो माइनस तीन बटे में चार इसका स्क्वायर माइनस टू। अल्फा बीटा क्या है, वो है जी माइनस आठ और नीचे है चार के, ये बराबर है दो के, लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो नाइन और नीचे क्या आ गया सिक्सटीन, सोलह, चार चार सोलह, माइनस और माइनस प्लस आठ दो सोलह और नीचे आ गया फोर के यानी चार के, ये बराबर किसके है, दो के है। यहां से अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, जो अजाफिया कल क्या आएगा, चार और सोलह का जो अजाफिया कल तो सोलह आ गया और साथ के आ गया, सोलह सोलह से कैंसल तो नौ के साथ मल्टीप्लाई होके नौ के हो गया, आगे जमा के से के कैंसल, चार चार सोलह और सोलह चार चौंसठ हो गया, बराबर दो के आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो नौ के उसी तरह जमा चौंसठ भी उसी तरह, ये जो सोलह के या दो के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया जी सोलह दो बत्तीस के। अब हम प्लस माइनस का अमल करते हैं तो बत्तीस के इधर आ गया, यहाँ ही हल कर लेते हैं, नौ के माइनस बत्तीस के और चौंसठ को दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस सिक्सटी फोर हो जाता है। अब माइनस के बत्तीस के हैं जमा के नौ के हैं तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी थ्री के, माइनस के ट्वेंटी थ्री के, और ये बराबर हो गया माइनस के
64 के। अब माइनस के साथ माइनस कैंसल हो जाएगा, जब माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो 23 के बराबर 64 के। अब ये जो 23 है, 23 है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64, उसी तरह ऊपर ही रहेगा, लिख दिया, यानी 64 ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा, ये जो 23 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके 64 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह के की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो क्या है, 64/23 है। सवाल क्या था, इक्वेशन दे दी गई थी 4kx² + 3kx - 8 = 0 और कहा गया था कि ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा इनके स्केयर्स का मजमूआ 2 के बराबर होता है। तो k की वैल्यू मालूम करें, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 64/23। जी तो सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, k की कीमत मालूम करनी है। मसावात x² - 2kx + 2k + 1 = 0 के रूट्स के मरबों का मजमूआ 6 है। तो उधर जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मरबों का मजमूआ 2 था, इधर उसने कह दिया मरबों का मजमूआ 6 है। इक्वेशन भी चेंज हो गई है, तो क्या है फिर सुन ले, इक्वेशन क्या है, x² है -2kx है +2k + 1 = 0 है और कहता है के रूट्स के मरबों का मजमूआ 6 है। इंग्लिश के अंदर भी सुन ले, कहता है sum of the squares of the roots of the equation x² - 2kx + 2k + 1 = 0 is 6, यानी sum of the square of the roots is equal to 6। जी तो इक्वेशन हमने लिखी x² - 2kx + 2k + 1 = 0 क्या है, x² - 2kx + 2k + 1 = 0 जबकि α² + β² = 6 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ax³ + bx + c = 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं, a=1k b=-2k + c = 2k + 1। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो α+β = -b/a। तो b क्या है, α+β उसी तरह, माइनस भी उसी तरह, b है जी -k 2k लिख दिया हमने, नीचे a = 1k है। इस तरह α+β हमारे पास आ गया -, ये 2k आ गया जी। अब अल्फा बीटा मालूम करते हैं, प्रोडक्ट जो है α β = c/a, तो α β उसी तरह लिखा, c क्या है हमारे पास 2k +
एक और इसके ओवर में भी एक। तो इस तरह अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गई 2k प्लस 1। अब जो रिलेशन हमें दे दिया गया है वो है अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर बराबर 6k। जबकि जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो इनको इस सूरत में लेके आएंगे, लिखेंगे अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, जमा किया तो माइनस भी करेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 6k। ये जो है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, ये मुकम्मल स्क्वायर कर देगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया इसने, माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल है 6k। अब ये हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2k इसका स्क्वायर हो गया माइनस के 2। इसी तरह अल्फा बीटा हमारे पास है 2k प्लस 1 और ये इक्वल है 6k। अब इसका स्क्वायर जब खोलते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4 यानी 2 2 4 k, माइनस 2 एकम 2, 6 भी इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया बराबर 0k। आगे ये हो गया जी 4k का स्क्वायर माइनस k, ये 4k उसी तरह ही रह गया, माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 बराबर 0k। इन सब में 4 मुश्तरक है, 4 कॉमन है, हमने ले लिया तो अंदर क्या आ गया ये k स्क्वायर हो गया, ये माइनस k हो गया और ये माइनस 2 हो गया बराबर 0k। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 बराबर किसके 0k। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम तो k स्क्वायर तो उसी तरह आ गया 2 1 2 माइनस k 2k हो गया, जमा का k हो गया और माइनस 2 उसी तरह। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं k स्क्वायर और 2k में से k कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया k माइनस 2। आगे यहां से कोई चीज कॉमन नहीं है लेकिन हमने दोनों के दरमियान माइनस लेके आना है तो 1 यानी 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर फिर k माइनस
दो हो गया बराबर जीरो के। यहाँ से के माइनस जो टू है इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, ये के माइनस टू है और ये भी के माइनस टू है, तो हमने के माइनस टू कॉमन ले लिया और इधर से क्या बच गया, के बच गया और इधर से जमा का वन, ये किसके इक्वल हो गया ज़ीरो के। अब दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको अलहदा अलहदा ज़ीरो के बराबर लिखते हैं, के माइनस टू इक्वल है ज़ीरो के और दूसरा फैक्टर के जमा एक बराबर है ज़ीरो के। यहाँ से के इक्वल हो गया टू के टू और दूसरी तरफ ये वाला के इक्वल हो गया माइनस वन के। इस तरह यहाँ हमारे पास के की दो कीमतें आई हैं, के बराबर दो के है और के बराबर माइनस एक के है। तो इस तरह ये हमारे तीन क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और साथ ही आपको मुबारकबाद भी देते चलें कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे जीत लिया है। इस वीडियो के दरमियान में जो एंटरटेन शामिल की जाएगी, इस मैच की हाइलाइट्स होंगी, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, हाइलाइट्स को भी देखना है और क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना है। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।